अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते फ्रॉम मनाली। तो फाइनली मैंने आज सुबह कैमरा उठा लिया और सोचा कि चलो, अब इतने दिन हो गए मुझे यहाँ पर रहते हुए मनाली में। जिनको नहीं पता उनको बता देती हूँ, तो मनाली मैं एक्चुअली वर्केशन के लिए आई हुई हूँ। यहाँ से काम भी चल रहा है और थोड़ा सा वेकेशन भी, क्योंकि गर्मियाँ चल रही है और शहरों में रहना बहुत मुश्किल है। तो आई थॉट कि मनाली चलते हैं, और यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा होम स्टे है जहाँ पर भी मैं पहले भी स्टे कर चुकी हूँ, तो यहाँ पर ही स्टे कर रही हूँ। तो आज के व्लॉग में एक्चुअली मैं पूरा दिन व्लॉग करना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, पूरा दिन मेरा कैसे निकलता है, और हाँ वो आप देखेंगे इस व्लॉग में। तो बस दिन की शुरुआत हुई है, उठे हैं जस्ट अराउंड 6:30 उठ जाते हैं। वैसे पहाड़ों में लोग थोड़े आलसी हो ही जाते हैं, पर हम क्योंकि रात को जल्दी सो रहे हैं तो सुबह भी नींद जल्दी खुल जाती है। हाँ जी, आप देखिए क्या चलता है पूरे दिन। स्ट्रॉबेरी की तलाश में बेचना है तुमको? बेचना नहीं है, खाने इतनी तोड़ के लाएंगे उसमें क्या, हम उसको बेचेंगे। चलो किसी देखते को हैं, अगर खाना है आप लोग बेचने लायक एक आध डब्बा अगर आपको चाहिए तो हम दे सकते हैं आपको, पर ये हमारे हमारे हाथ से टूटी हुई स्ट्रॉबेरीज महंगी बहुत होगी। एक आध डब्बा? हाँ मतलब अभी इतना छोटा बॉक्स आता है जो, जब ये व्लॉग जाएगा लाइव तब तक अगर बची तो सब्जेक्ट तो अवेलेबिलिटी है। देखो भाई भाई हाँ, और महंगी भी होगी, मिलेगी तभी जब हमारे पास बची होगी। महंगी तो खैर कीमत तो कीमत क्या लगाना आप, ठीक है चलो आ जाओ। ये देखो दिखाते हैं आपको, ये देखो वो ये सब है, ये देखिए यहाँ पे तो मैंने देखी ही नहीं। कितनी तो खराब भी हो गई पता है, पड़े पड़े। हाँ तोड़ता नहीं, खराब हो जाएगी। मैं पहले दिन आई थी तब आंटी जी ने मुझे अगर बताया होता यहाँ पे पेड़ तो मैं रोज थोड़ी थोड़ी करके खा लेती। अभी तक तो हाँ ये बड़ी है, देख दे मैं तोड़ दे आराम से। ये देखिए जी, हम लोगों ने तोड़ लिए फ्रेश स्ट्रॉबेरीज। यस, हम लेंगे इसके मजे। चलो यस चलो आ जाओ। फ्रेश, किसी भी चीज़ को फ्रेश खाने का जो मज़ा होता है वो कहीं और नहीं है पति। हाँ जी, तो ब्रेकफास्ट करके एंड उसके बाद यूजुअली ये होता है कि कभी मतलब मोस्टली मैं जब यहाँ पर ही हूँ तो मैं काम कर रही होती हूँ, मेरा एडिटिंग या फिर आइडिएशन, ब्रांड कोलैबोरेशन का वर्क या ये सारी चीज़ें। तो आज जो है मुझे एक मेरा यूट्यूब का वीडियो शूट करना है, बहुत टाइम से मैं सोच रही थी वो करना है करना है, तो आज करते हैं। यहाँ पर जो एक रूम है लाइब्रेरी कम मेडिटेशन रूम, तो यहाँ बैठ के मैं शूट करूँगी। पहले थोड़ा सा आइडिएशन करेंगे, उसके बाद में स्क्रिप्टिंग करेंगे थोड़ी सी, और स्क्रिप्ट रफली लिखने के बाद, क्योंकि मैं पूरा वर्ड टू वर्ड स्क्रिप्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि बोलते बोलते फिर थोड़ा बहुत तो आप अपना एड ऑन करते हो, तो वो मैं इसमें स्क्रिप्ट करूँगी पॉइंटर्स, और फिर यहाँ पर बैठ के शूट करेंगे। सागर अपना काम कर रहा है पीछे रूम में ही ऑफिस का, तो उसका तो 9 to 5 है, तो वो पूरा थ्रू आउट बिजी रहता है, और मैं यहाँ पर शूट करूँगी तो मैं अपना काम करूँगी, उसके बाद उसको एडिट करेंगे। तो ऐसे हमारा जो है एंटायर दिन वाला टाइम अगर हम यहाँ पर है तो वैसे निकलता है। सो या लेट्स बिगिन द शूट। इनको देखिए, ये इस एंगल से हटते नहीं है, यहीं पे लेट के काम करेंगे। इनकी तीन पोजीशन है, आप पोजीशन दिखाइए अपनी, पहली दिखाइए, दिस इज़ नंबर वन, सेकंड जो वो बैठे थे वो थी, और तीसरी ज़्यादा से ज़्यादा होता है तो वो इतना कष्ट करते हैं कि यहाँ से ये यहाँ तक आते हैं, ये चेयर में बैठते क्योंकि व्यू दिखता है बस। और ये इनकी चौथी पोजीशन, थोड़ी देर थक जाते हैं तो ऐसे लेट जाते हैं, 2 मिनट का विश्राम लेते हैं फिर काम करते हैं। ये देखो पीस आउट, बस ठग लाइफ। और किसी किसी दिन अगर आफ्टरनून में कुछ खाने का मन हो तो वन ऑफ माय फेवरेट प्लेस नियर वशिष्ठ रोड इज फुनसुक कैफे, जहाँ पर मैं जाना पसंद करती हूँ।
एंड वहाँ पर एकदम ऐसा होमली टिबेटन फूड मिलेगा आपको, टिबेटन चाइनीज़ या वैसा, तो वहाँ जाना पसंद करती हूँ। यहाँ से हार्डली 5 मिनट का वॉक है हमारे होम स्टे से, तो बस वहीं जा रहे हैं आज। आज वो दिन है जब मन कर रहा है कुछ खाने का, आफ्टरनून में 2:30 बज रहे हैं, तो लेट्स गो एंड देखते हैं क्या ऑर्डर करते हैं आज। तुम्हारा गैंग, चलो 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 हट जाओ। अरे 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 शू, हट जाओ बच्चों। अरे हट जा रे भैया, तो जी ये है मेरी परमानेंट प्लेस जहाँ मैं लॉकडाउन के टाइम आई थी तब से आ रही हूँ, और अभी ऑर्डर किया है हमने वेजिटेबल चाउमीन और फ्राइड राइस। तो वैसे यहाँ के मोमोज भी अच्छे हैं, और सबसे अच्छा मुझे यहाँ का पोटैटो रोस्ट ही लगता है, जो पोटैटो नीचे ऐसे ग्रेट करके ऊपर और बीच में स्टफिंग होती है, मशरूम चीज़, वेजी चीज़ ऐसे, बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप पहली बार यहाँ पे आ रहे हो तो वो ज़रूर ट्राई करना। अभी हमने ऑर्डर किया है, आएगा, और सुंदर सामने नज़ारे यहाँ पे। हाँ चाउमीन और फ्राइड राइस बोला ना, चाउमीन है ये भी जी, एक फ्राइड राइस बोला था हमने, कंफ्यूज हो गया। ठीक है कोई बात नहीं, क्या कोई बात नहीं, चलो रहने दो। प्रोसेसर पेंटियम 4 है। शाम हो गई है, दोनों काम से फ्री हो गए अपने अपने, एंड आज हमने सोचा कि आज हम रिवर साइड पे जाते हैं, कुछ मकसद से नहीं, सिर्फ बैठेंगे बस, चिल करेंगे, बस बैठने के लिए शांति वाला समय, क्योंकि दिन भर हम लैपटॉप और अपने स्क्रीन के सामने होते हैं। सो ये जो टाइम होता है, या तो हम ऐसे नेचर वॉक के लिए चले जाते हैं कहीं पर, या आज सोचा रिवर साइड चलते हैं। तो यस चलो। हाँ जी, तो आज हमने एक्चुअली मिसल पाव खाया, यहाँ पर एक महाराष्ट्रियन कैफ़े है जहाँ मैं लॉकडाउन के टाइम पे थी तब आई हुई थी। हमने सोचा आज थोड़ा सा फ़र्क चेंज कुछ खाते हैं, तो वहाँ पे मिसल पाव खाया क्योंकि इसका बहुत फेवरेट है इस आदमी का। मज़ा आया ना? अरे मस्त, अच्छा था, बहुत स्पाइसी और अच्छा मस्त तीखा बनाया था, बढ़िया। सो अभी हम वॉक करते हुए थोड़ा लॉन्ग रूट लेके घर जाएंगे, थोड़ा सा वॉक भी हो जाएगा क्योंकि दिन भर काम धंधा नहीं है जीवन में, और यहाँ पर बैठे रहते दिन भर काम करते रहते हैं, तो थोड़ा अभी वॉक भी हो जाए, और ये वॉक करने का मजा वहाँ नहीं आता, इन वादियों में ही आता है। सो ये है प्लान, घर चलेंगे धीरे धीरे, हौले हौले, लेट्स गो। आज खाने में मैंने बनाई है खिचड़ी, और बढ़िया, हम अभी बैठ के यहाँ पे भोजन का आनंद लेंगे। आज मेरे को खिचड़ी खाने का मन हो रहा था। वैसे कभी कभी अंकल जी बना देते हैं मस्त गर्मा गर्म सब्जी और रोटी, मोस्टली अंकल ही बनाते रात का खाना, दाल रोटी, कल जैसे हमने भिंडी की सब्जी रोटी और दाल खाई थी, और ऐसे बनाते रहते हैं अच्छा अच्छा खाना। बट आज मैंने बोला अंकल जी मैं खिचड़ी बनाती हूँ, हम लोग को बहुत लाइट सा खाने का मन हो रहा है, तो खिचड़ी बन चुकी है सब्जी वाली, मस्त डिनर करेंगे पति पत्नी, और उसके बाद विल कॉल इट अ डे। हाँ जी, तो अब खाना वाना हो गया हमारा, अब ये टाइम है बेड टाइम। हम कितने बज रहे हैं अभी? हाँ आज थोड़ा सा लेट हो गया, 9:44, बट 9:30 बजे तक तो मैक्स हम दोनों सो जाते हैं जब से मनाली में है। तो यस, इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पर एंड करती हूँ, और ये स्लो ट्रैवल सॉर्ट ऑफ व्लॉग मैंने डालने की कोशिश की कि एक्चुअल में हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं मनाली में। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए थे कि मानी एक तो वीडियो डालो, एक तो व्लॉग बनाओ मनाली का। अच्छा चलो बना लेता है। सो या विद दैट नोट आई एम एंडिंग दिस व्लॉग हियर, होप यू लाइक इट, इफ यू डिड देन यू नो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड
कमेंट बिलो कि किस तरीके का क्या कंटेंट आप और देखना पसंद करोगे, या कैसा लगा ये वाला स्लो काइंड ऑफ व्लॉग. विल सी यू विद अ न्यू वीडियो सून. टिल देन टाटा बाय बाय. नमस्ते.